विधानसभा सत्र समाप्ति के बाद हल्द्वानी पहुंचे नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। वर्तमान सरकार के क्रियाकलापों को देख कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है कि 2022 में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हालांकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भगत के 60 विधानसभा सीटें जीतने के दावे को नेता प्रतिपक्ष इंदिरा ने कहा कि हवाई गिनती में वह 70 भी कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस इस तरह से आंकड़े बनाकर अपना उपहास नहीं उठाना चाहती। यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि 2022 में कांग्रेस की सरकार आ रही है और यह बात भाजपा के विधायक भी जानते हैं, इसलिए कई भाजपा विधायक उनके संपर्क में हैं और इशारा करते हुए उनके साथ आने को तैयार भी हैं, क्योंकि भाजपा के विधायकों की सरकार में सुनवाई नहीं हो रही है, वो खुद विधानसभा सत्र में सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। नहीं नहीं, ना बातचीत बताई जाती, वो प्राइवेट होती, गोपनीय होती, इशारे होते हैं। ये तो हमें विचार करना होता है कि क्या हम उन लोगों को यदि टिकट देंगे तो कांग्रेस में कोई विद्रोह तो नहीं होगा। तराई के विधायक भी नाराज तो इसलिए सब जगह के नाराज हैं। नाराज नहीं, उन्हें लग रहा है अब हम नहीं जीतेंगे जी। तो हर आदमी जीतना चाहता है, तो यदि भाजपा में भी तो लोग वही जा रहे हैं जिन्हें लगता है पार्टी बदल के हम जीत जाएंगे। तो क्या वो भाजपा विधायक कांग्रेस में आने वाले? नहीं, आने वाले हैं, हम कहीं नहीं रहे। सब हमने कोई प्रयास नहीं शुरू किया है। देखिए, ये हाईकमान तय करता है, हमारी जब राहुल गांधी जी से बात हो जाएगी और तय हो जाएगा। तो उनका मन है ऐसा? ऐसा उनका मन है या नहीं है ये भी हम नहीं बताएंगे आपको, हमारी सबसे बात होती है।